जी, ये कह रहे हैं ना कि एनआरसी अभी आया नहीं है, जैसे आपने बोला। देखिए, जब संसद में वो बोलते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि मैं तो एनआरसी ला के रहूंगा, फिर वो कहते हैं, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, अभी एनआरसी और सीए कुछ ऐसा हो नहीं रहा है, ना मुसलमानों का कुछ होगा इससे बुरा। फिर जब बात करने के लिए बुलाया बुलाते हैं गृह मंत्री जी शाहीन बाग से, तो वो कह देते हैं प्रधानमंत्री जी कि ये तो आके रहेगा सीए। तो पहले दोनों में जो मन सीए वही मुटाव है, संस्था गृह मंत्री और प्रधानमंत्री में, वो पहले आपस में समझौता कर लें कि आपस में जो मन एक मुटाव सेकेंड है उसको खत्म उरुषा जी, करें, फिर लोगों से बात करें, क्योंकि इनके मन मुटाव से हम लोग परेशान हो रहे हैं। उरुषा जी, अच्छी बात है, आपको लग रहा है दोनों में मन मुटाव है, लेकिन ये इससे बड़ी गलतफहमी मुझे नहीं लगता है कि कोई हो सकती है हिंदुस्तान में। लेकिन एक दूसरी गलतफहमी मैं आपकी दूर बिल्कुल करना चाहती हूँ उरुषा जी। सीए कानून देश में लग चुका है, वो लागू हो चुका है, इसलिए उसमें कुछ इफ जी बट जी नहीं बिल्कुल है। बोलिए। सीए लागू हो चुका है, हाँ, इस पे लागू हो आप चुका है, पर, एनआरसी सुबोही उन्होंने जी आसाम पर, में कर दी थी लागू। मुझ जी, पर, मुझे किसी पता पर नहीं है कि नहीं, है। पूरे देश में लागू जिसमें हो चुका आप है, देश में लागू हो पूरे चुका है देश में सीए, लागू, पूरे देश में लागू हो चुका है उरुषा जी, पूरे देश में लागू हो चुका है। यही तो मैं कह रही हूं कि देखिए, भ्रांतियों पर तमाम बातें कही जा रही हैं ये धर्म के किसी आधार पे वो करता है, आपको खुद पता जी है। इसके, लेकिन इसके, ये पूरे देश में लागू हो चुका है, आपकी सेहत पर, सुबूही खान की सेहत पर, ताहिरा जी की सेहत पर, मेरी सेहत पर, मौलाना अंसार रजा साहब की भी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हमें अपनी नागरिकता, सेहत की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना हम आपकी सेहत की बात कर रहे हैं अंजना जी, ये हाँ हम गरीबों की बात कर रहे हैं। ये जो आपके सारे गरीब, जो गरीब मजदूर बैठे हैं, जो आपके संत बाबा बैठे हैं, वो कहां से दिखाएंगे? जस्ट वन रिमार्क ये प्लीज, बताइए वेरी आप, इंपॉर्टेंट, ये वेरी सिर्फ इंपॉर्टेंट, मेरी आपकी संत लड़ाई बाबा नहीं और है, ये पूरे गरीबों, देश की लड़ाई है। ये आके इन्हीं क्या-क्या बदला है, कभी शहरों के नाम बदल देते हैं, कभी कुछ कर दे, तीन तलाक ले आते हैं, अब जो है एनआरसी सीए में लोगों को फंसा दिया है उन्होंने, अपने काले कर्म जो कर रहे हैं, देश को बेचे दे रहे हैं। ये इन्हीं ने एलआईसी को बेच दिया, अब रेलवे को प्राइवेट कर दिया, ये सब छुपाने के लिए, ये सब में हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम लोग इसी में फंसे रहते हैं, मौलाना ये एनआरसी सीए जैसी अंसार रजा चीजों में। साहब भी बीच बीच में सोच रहे हैं कि क्या बोला जाए। जल्दी से सुबूह जी अपना पक्ष जी रखिए, फिर मैं आगे जी जाऊं। जी लेकिन दो तीन बातें आपको बता दूं। देखिए, एक तो सीए पूरे देश में लग चुका है, एनआरसी पर पार्लियामेंट में बोला था अमित शाह ने, लेकिन उसके बाद से पीएम ने ये कहा है कि इस पर हमारी सरकार ने कुछ नहीं, तो एक तरह से उस मामले पर वो बैकफुट पर गए, एनआरसी को नहीं लागू किया गया है देश में। ये तस्वीर है यथास्थिति, जिस पर किसी तरह की अफवाह देश में नहीं फैलनी चाहिए, क्योंकि भय पैदा करके, भय सिंड्रोम के साथ ही इतनी महिलाएं यूं ही बिना मोटिवेशन के रोज नहीं बैठ रही। सुबूही खान, मैंने नहीं, इसका देखा क्या है, मतलब हुआ, एक इसका एक क्या सेकंड, मतलब हुआ, मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ? एक तो उनके मन में भय है, डर है, उनको लगता है हाँ उनकी हाँ नागरिकता ओके, चली नहीं जाएगी। ये तो ऐसा ओहो, तो कुछ नहीं कि आप ये लगा सोच रहे हैं मौलाना अंसार रजा को आइंस्टाइन निकले अपनी कि यहां मुझे से सामने कोई कोई आकर? बहका रहा नहीं, है, ये तो आप ऐसा नहीं बताइए, है, ये तो ऐसा आप नहीं है। बताइए, अस्सी वहां अस्सी पर साल की तमाम बुढ़िया नेता वहां, पहुंचते हैं, अस्सी अस्सी वहां साल की तमाम जईफाएं नेता वहां बैठी पहुंचते हुई हैं। हैं, हाँ, तो मत अस्सी अस्सी साल की जईफाएं बैठी। मौलाना अंसार आप रजा जो है खान ना, अपने साहब, दिमाग के आप फितूर यहां को पर रोक कर रखिए, बैठकर हिंदुस्तान दिमाग के के फितूर के मुसलमानों को घोड़े जो है डराना जरा बंद रोक कर कीजिए। रखिए। मैं सिर्फ ये कह रही आप हूं लोग डराते रहते हैं, कि आप वो लोग जो भय फियर पैदा है करते रहते हैं, वो है आप मन लोगों में, को इतना डरा दे रहे डरते हैं और कि ये आपकी आप बता नागरिकता फिर अभी चली जो बोल जाएगी। रहे बीच हैं, में क्यों बोल अभी रहे तो हैं, बीच में कुछ किसी और की ही स्टाफ पे लिख नागरिकता रहे नहीं थे जाने वाली सिम्टम है, और डॉक्टर साहब कुछ और ही बीमारी है, कुछ और ही इलाज लिख रहे थे। मैं ये कह रही हूं कि एक डर है वहां लोग, महिलाओं के मन में। वरना आप देखिए कितने भी प्रोटेस्ट होते हैं, आपने गार्गी कॉलेज में देखा, तमाम मुद्दे बड़े इमोशनल मुद्दे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो डाई ऑफ कर जाते हैं। ये महिलाएं रोज वहां बैठ रही हैं, लगातार बैठ रही हैं, छोटी बच्चियों को लेके, बच्चों को लेके बैठ रही हैं। वो फियर जो है, वो आखिर इस सरकार के खिलाफ ही क्यों बैठा है मन में, जवाब दीजिए। अंजना, वो फियर इस सरकार के खिलाफ इसलिए बैठाया जा रहा है कि इस सरकार ने कोर इश्यूज रिकॉग्नाइज कर लिए हैं। उन कोर इश्यूज पे अगर काम कर लिया तो सारी घुसपैठिए पकड़ में आ जाएंगे, सारी एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं वो पकड़ में आ जाएंगी, इन लोगों की राज सत्ता धर्म सत्ता खत्म हो जाएगी। तो ये बिलबिलाए हुए हैं डर के नहीं तो मारे। उरुषा दूसरा राणा, अंजना, उरुषा एक राणा, बात देखिए प्लीज, एक सेकंड, डर आपसे के सवाल, एक ऊपर। क्रॉस क्वेश्चन है सुबुई, ओके, उरुषा राणा को इस बात से क्या तकलीफ होगी कि जो एंटी नेशनल्स हैं या जो जिनको जो आतंकी हैं या फिर जिनके ऐसे इंसेंटिव्स हैं वो पकड़े जाएं, इसमें उरुषा राणा को क्या दिक्कत होगी? यस, वेरी गुड क्वेश्चन अंजना, मैं इस पे आना चाहती थी। क्योंकि आप एक्चुअली हर उनको किसी को दिक्कत नहीं एक होगी, ही इनको दिक्कत झंडे से नहीं रखे, उनको होगी। क्या दिक्कत है, वो भी हाँ, चाहेंगे कि ये हो। यस एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ मैं उनकी इंटेंशन पे सवाल नहीं कर रही मैं हूँ। बताता मैं हूं, इन लोगों को, उरुषा जैसे लोगों को, एक्चुअली जो ताहिरा जी जैसे लोगों को, जो पढ़े लिखे देशभक्त मुसलमान है, उनको कैसे वरगलाया जाता है? जख्म को मुझे रोग और रोग पता को जख्म बनाने की सुनिए एंटी सुनिए, नेशनल लोगों की क्या बात, आदत होती है। क्या बात, 40,000 मंदिर विध्वंस हो जाएंगे, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। एक बाबरी मस्जिद विध्वंस, जिसको सुप्रीम कोर्ट
भी क्रिमिनल एक्ट बोल चुका है उसको हमेशा इस्तेमाल करेंगे।